हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दिनेशपुर के रामबाग आदिवासी शिव मंदिर में शिव भक्तों ने पूजा अर्चना करने के साथ साथ मंदिर में स्थित 350 साल पुराने प्राचीन काल के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। मान्यता है कि प्राचीन काल के ये शिवलिंग का आकार घटता बढ़ता रहता है और इस शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं, जिसके चलते हर साल महाशिवरात्रि के मौके पर क्षेत्र के हजारों कांवड़िए हरिद्वार से कंधे पर जल लेकर इस प्राचीन काल के शिवलिंग में चढ़ाते हैं। साथ ही लाखों की संख्या में शिव भक्त पूजा अर्चना करने के साथ साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। ये आस्था ही तो है जो एक भक्त को अपने भगवान से जोड़ती है। इस मौके पर 5 दिवसीय एक ऐतिहासिक भव्य मेले का आयोजन भी किया गया है और पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है तथा कोविड-19 के नियमों का पालन भी कराया जा रहा है। मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं के अनुसार इस पौराणिक मंदिर पर उनकी बेहद मान्यता है। वह हर बार शिवरात्रि पर भोलेनाथ के दर्शनों को रामबाग मंदिर में पहुँचते हैं। मेले के पुजारी के अनुसार महादेव मंदिर में हर शिवरात्रि पर विशाल मेला लगता है और भगवान शिव के दर्शन करने सैकड़ों लोग शिवरात्रि मेले के दौरान रामबाग स्थित शिव मंदिर में पहुंचते हैं। नेशनल इंडियन न्यूज के लिए दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। यात्रा बहुत ही कुशल मंगल रही है भोलेनाथ की कृपा से, और इस बार तो बहुत ही आनंदमय रहा क्योंकि वहाँ पे कुंभ का जो आयोजन है वो कुंभ भी चल रहा है और अभी हम हर वर्ष जाना चाहेंगे बहुत ही, और वहाँ पे बहुत ही श्रद्धालु आते हैं बहुत ही राज्यों से, बहुत ही बल्कि विदेशों से भी आने शुरू हो गया। दूर दूर से भगत आ रहे हैं, कांवर लेकर आ रहे हैं, सब जल चढ़ा रहे हैं, सबकी बाबा जो है मन कामना है पूरी हो रही है। इतना महामारी चल रही है जो 60 साल से ऊपर के हैं आदमी बूढ़े जो है वो नहीं आ रहे हैं, और 10 साल से नीचे बच्चे हैं उनको भी नहीं आ रहे हैं, तो कोरोना की सरकारी का हम पालन सब कर रहे हैं। शुभ मंगल रही और हमें बड़ी खुशी हुई कि बाहर दूर से साधु महात्मा लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि वे संस्कृत को जानते हैं और सभी महादेव के दीवाने हैं, इसलिए हर वर्ष डाक कावड़ जाती है हमारे यहाँ से।